खबर आज अमित शाह को लेकर हम आपको बताने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल देर रात जम्मू पहुंच गए। सीनियर नेताओं ने अमित शाह का स्वागत किया और देर रात जम्मू कश्मीर में सीनियर नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह की मीटिंग भी हुई। बहरहाल आज अमित शाह को 5 रैलियां करनी है जम्मू के अलग इलाकों में, खासकर राजौरी पुंछ के इलाके में। डिटेल्स हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं, जिनमें सबसे पहले मेंढर में जो आर्मी ग्राउंड है वहां पर पहुंचेंगे अमित शाह। लगभग 11:30-12 बजे के करीब अमित शाह मेंढर के आर्मी ग्राउंड में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद सूरनकोट का जो स्टेडियम है वहां पर 1 बजे के करीब अमित शाह पहुंचेंगे, वहां पर भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तीसरी जो बड़ी रैली है वो डिग्री कॉलेज थाना मंडी में रखी गई है। 2 बजे के करीब अमित शाह वहां पहुंच सकते हैं और वहां पर लोगों को चुनावी प्रचार करेंगे, अमित शाह लोगों से बात करेंगे। बहरहाल इसके बाद जो सबसे बड़ी रैली आज की होनी है वो एक होनी है राजौरी शहर में और राजौरी सिटी में जो न्यू बस स्टैंड है, न्यू बस स्टैंड पर 3 बजे के बाद, लगभग 3:30 बजे अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर भी एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वहां से वो अखनूर पहुंचेंगे और अखनूर में शाम को 5 बजे अमित शाह की रैली जो है वो रखी गई है। और इस तरह से ये 5 रैलीज बैक टू बैक अमित शाह आज पूरे जम्मू प्रांत में, जम्मू प्रोविंस में अलग अलग जगह पर करने वाले हैं। ये भी हम आपको बताते चलें कि 22 तारीख को अमित शाह नौशहरा में रैली करेंगे। नौशहरा में खुद प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना इस समय उम्मीदवार हैं और उनके लिए रैली करने 22 तारीख को अमित शाह जाएंगे। एक और रैली अमित शाह की पहले प्रपोज थी जो कि मजालता उधमपुर में 22 तारीख को होनी थी, अभी ये बताया जा रहा है कि वह रैली अब शायद नहीं होगी क्योंकि उधमपुर थर्ड फेज में है। तो हो सकता है अमित शाह 29 तारीख को उधमपुर और चनैनी में रैली कर सकते हैं, सॉरी उधमपुर के मजालता और मजालता के अलावा चनैनी में रैली कर सकते हैं। ये भी हम आपको बताते चले कि अमित शाह जब आज रात को जम्मू में ठहरेंगे तो बैठकों का दौर होगा, कई रणनीतियां तय होंगी और अलग अलग जो समीकरण है, चुनावी समीकरण है, उन पर डिस्कशन जरूर होगी। इसके अलावा जेपी नड्डा कल पहुंच रहे हैं जम्मू शहर में और जम्मू शहर में जेपी नड्डा का एक बहुत बड़ा रोड शो होने वाला है। इसके अलावा जो तमाम जम्मू के प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, बिजनेसमैन हैं, अलग अलग जो अपना एनजीओ वगैरह उनके जो लोग हैं उनसे जेपी नड्डा एक बरनई में मिलेंगे और दूसरा वह ग्रेटर कैलाश में भी उनसे मीटिंग्स वगैरह में खिताब करेंगे। जेपी नड्डा इसके बाद देर शाम दिल्ली वापस चले जाएंगे। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उनके भी कार्यक्रम जो हैं वो रखे गए हैं। हम आपको बताते चलें राजनाथ सिंह पहुंचेंगे जम्मू और वह पुंछ में, सूरनकोट और जम्मू में रैलियों को संबोधित करेंगे। इससे भी जो आगे बढ़कर खबर है हम आपको बताएं कि 25 तारीख को भी कई रैलीज जो हैं वो होनी है और आखिरकार एक बड़ी रैली जम्मू में स्टेडियम में होनी है जिसमें प्रधानमंत्री एक बार फिर से पहुंचेंगे जम्मू में। और प्रधानमंत्री जम्मू कठुआ सांबा के जो 20 उम्मीदवार हैं उनके लिए एमए स्टेडियम में 28 सितंबर को जो है वो बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। ये हम आपको बताते चले कि 23 तारीख को शाम को जो दूसरे चरण का मतदान है उसके लिए जो चुनाव प्रचार है वो खत्म हो जाएगा। दूसरे चरण का मतदान राजौरी पुंछ और कटरा रियासी के इलाके में और इसके अलावा सेंट्रल कश्मीर में होना है और 26 सीटों पर ये मतदान जो है वो होगा। इसके बाद जो लास्ट फेज का चुनाव प्रचार है वो 29 तारीख शाम को ख़त्म हो जाएगा और 29 तारीख के बाद 1 अक्टूबर को, ये हम आपको बताएं कि 1 अक्टूबर को जो थर्ड फेज का आपका मतदान है वो होना है और इसमें उधमपुर ज़िला, जम्मू, सांबा और कठुआ जो है वो शामिल होंगे। इसके अलावा नॉर्थ कश्मीर इसमें शामिल होगा। तो इस तरह से लगातार बैक टू बैक मीटिंग्स हैं। बाकी पार्टियों की भी अगर हम बात करें तो उमर अब्दुल्ला लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला खुद अलग अलग जगह पे जाकर धुआंधार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। खुद जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे,
उनका आज कार्यक्रम है। वह आज पहले मीडिया से बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जम्मू में, और उसके बाद वह ताराचंद के लिए प्रचार करने जाएंगे उनके संसदीय क्षेत्र में। इस तरह से तमाम जो पार्टियां हैं उनके उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। जेके न्यूज़ स्टडी के